सर, स्वामी प्रसन्न भजन जी को जो है जो आरोप अखिलेश यादव लगा रहे हैं, इसको कैसे देखते, क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो उन्होंने आरोप क्या लगाया है उसकी विधिवत जानकारी नहीं है। हाँ, पत्रकारों के माध्यम से मालूम हुआ है कि उन्होंने कहा है कि मैं किसी के दिल में क्या है उसको कैसे जान सकता हूँ। दिल में जाने और जानने की जरूरत नहीं है। 13 फरवरी को जो मेरा इस्तीफा पत्र है उसमें सब स्पष्ट है, उस बात को जानने की कोशिश करनी चाहिए, जिसको मैंने 12 फरवरी को व्यक्तिगत भी बात किया था और 13 फरवरी को पत्र के माध्यम से भी अवगत कराया था कि मैं जब से समाजवादी पार्टी में आया लगातार जनाधार बढ़ाने की कोशिश की। पहले ही दिन मैंने नारा दिया था, 85 तो हमारा है, 15 में भी बंटवारा है। बहुजन समाज में जन्मे संतों गुरुओं महापुरुषों ने, सामाजिक परिवर्तन के महानायकों ने जो लड़ाइयाँ लड़ी थी उन्हीं की विचारधारा को आगे बढ़ाने की दिशा में मैं इस देश के आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों, महिलाओं, मजलूमों, मजदूरों, किसानों को जोड़ने का अभियान चलाया। लेकिन कुछ यथातिवादी ताकतें जो समाजवादी पार्टी के नाम पर लाभ तो लेती हैं लेकिन समाजवादी पार्टी के वोट बैंक के साथ खिलवाड़ करती हैं, और जब जब मैंने ऐसा कोई भी कदम उठाया तो निजी बयान कह करके उसका उपहास सुनाया गया। स्वयंभू प्रधान राष्ट्रीय महासचिव बहुजन समाज पार्टी से आने वाले नेताओं के फलस्वरूप ही हुई है, इसलिए अगर देने की बात होती है तो मैंने उनको दिया है, उनका वोट बढ़ाया है, जो कभी समाजवादी पार्टी से नहीं जुड़ते थे उनको भी जोड़ा है। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।